हूँ। देखिए मैं आज आपको बहुत ही खास रेसिपी दे रही हूँ कि इसको जानते होंगे, इसको चुड़वा भी कहते हैं, इसका पोहा भी कहते हैं। मैं इसको पहले मिक्सर जार में महीन पीस लूँगी। इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स जाएगा वो दिखाऊंगी मैं। इस रेसिपी का नाम क्या होगा वो आप लोग को तय करना है, मेरे व्यूअर्स तय करेंगे भाई। रोज़ रोज़ खाना चाहिए इसको, बिल्कुल बिना पानी दिए तो पीसना। कैसा छुड़वा एकदम महीन हो गया, फाइन। अब इसको मैं इसमें उठा लूँगी। इसमें देखिए ये मटर है, ये पिज़्ज़ा बर्गर सब खाना भूल जाएंगे, ये रेसिपी खाएंगे बनाइएगा आप और सबको पसंद आएगा, बच्चे बड़े बूढ़े सबको। इसमें मटर है, इसको दम महीन नहीं पीसना, मोटा दरदरा पीस लेंगे। इसमें मटर डाल दिया, इस मिक्सर में डालेंगे। इसमें लहसुन हरी मिर्च डाल देंगे, इसमें चार जो लहसुन, 2 इंच अदरक का टुकड़ा, बिना पानी डाल के इसको मोटा पीसना। देखिए मैं एक बड़ा आलू तो कद्दूकस कर ले रही हूँ महीन वाले की तरफ से, हाथ बचा के काटिएगा। ये इतनी शानदार सी रेसिपी बनेगी ना, एकदम बच्चे बड़े बूढ़े पिज़्ज़ा बर्गर बाहर का खाना छोड़ देंगे और बार बार आपसे यही बनवाएंगे, फरमाइश करेंगे। अब इसका पानी को मैं ऐसे करके निकाल दूंगी और मैं इसको डाल दूंगी। ये हमारा चूड़ा का बैटर हो गया और ये हो गया आलू, अब ये हो गया मटर, और अब इसमें थोड़ा सा गेहूँ का आटा बाइंडिंग के लिए डाल देंगे या बेसन डाल दीजिए, दोनों में से कोई एक चीज़ डाल दीजिए। और इसमें अभी डालूँगी मैं नमक स्वाद अनुसार, थोड़ी सी काली मिर्च, चटपटा कर देंगे। क्या बोले बेटा? एक मुट्ठी आटा डाल दूँगी बाइंडिंग के लिए। और इसमें अपने टेस्ट के अनुसार नमक, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालिए, सॉल्ट टू टेस्ट। और इसमें अब जाएगा थोड़ी सी काली मिर्च 2 पिंच, और अगर आप तीखा ज़्यादा खाते हैं तो इसमें मिर्च ज़्यादा खाते हैं तो इसमें आप थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दीजिए, लेकिन मैं मिर्च नहीं खाती हूँ, बस मैंने हरी मिर्च डाल दिया, थोड़ी सी काली मिर्च डाल दी, एक हरी मिर्च डाल दिया और उस काली मिर्च डाल दिया। इसमें 2 चम्मच तेल डाल देंगे बाइंडिंग के लिए, अच्छी सी बाइंडिंग के लिए। अब सबको पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, मिक्स द वेल। इतना पानी इसमें ऑब्जर्व कर लिया, अब हल्का हल्का से इसको पानी दे के मैं भून लूंगी। देखिए बहुत ज़्यादा एकदम इसको वो नहीं कर देना। देखिए हमारा कितना कलर कितना प्यारा लग रहा है, ग्रीन ग्रीन। चाहे उसको आप डीप फ्राई कर लीजिए, चाहे आप इसको उसमें सिर्फ शैलो फ्राई कर लें, डीप फ्राई कर लें, या पूरा ऐसे छान लें, या इसको पिज़्ज़ा की तरह आप बनाएं, मैं आपको दिखाती हूँ। गर्म हो गया, मैं इसको इसमें बिस्मिल्लाह रहमान रहीम और तेल बहुत ज़्यादा गर्म करके नहीं डालना, एकदम तेज इसको एकदम मीडियम आंच पे इसको बनाना है, नहीं तो
अब देखिए मैं इसमें ये पिज्ज़ा बना रही हूँ, इतना शानदार सही बनेगा ना। कितना शानदार सा रेसिपी तैयार है, धनिया पत्ते की चटनी और ये देखिए हमारा रहा सॉस, ये धनिया पत्ते की चटनी और ये रहा हमारा बेहतरीन सा, इसका क्या नाम दूँ मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये बनाए ये रमज़ान में अफ्तार में बनाए बहुत शानदार लगेगा, लेकिन अब रमज़ान में अफ्तार मिलेगा नहीं मटर। चलिए आप लोग भी बना के देखें और एक बार खाएं और ट्राई करें, बहुत ही अनोखी चीज़ है ये, इंशाल्लाह आप लोग को पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।